नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार जानदार वीडियो। इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं यूपी स्पेशल। बात करें तो यूपी लेखपाल यानी वैकेंसी जो आने वाली है 5200 प्लस पोस्ट है, यानी 5200 प्लस पोस्ट है, या फिर नियर अबाउट हम लोग मान सकते हैं 5000 की नियर अबाउट पोस्ट है। इसमें आप लोग सभी लोग जानते हो, इसका सिलेबस अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। इसमें सिलेबस में जो हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है, 25 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 25 क्वेश्चन हमारे पास हिंदी के आएंगे, 25 क्वेश्चन जीके जीएस से आएंगे, 25 क्वेश्चन उसके क्या आएंगे ग्रामीण परिवेश से। और इसी टॉपिक को हम लोग ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग सोच रहे हैं इस टॉपिक को क्यों कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों की मैथ्स सही रहती है, आप लोग हिंदी भी कर लेते हैं, आप लोग जीके जीएस भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है तो ये ग्रामीण परिवेश वाला पोर्शन जो होता है हमसे छूट जाता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ में असफलता हमारे हाथ लग जाती है। तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए इसी टॉपिक से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। और इसके लिए आप लोग का क्या करना है कि आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और वीडियो लाइक भी करना है। तो आज हम लोग ग्रामीण परिवेश का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, इसको 15 पार्टों में बांटेंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट क्या है इसमें, भूमि पैमाइश। अब भूमि पैमाइश में जो होगा, हम लोग भूमि को मापते कैसे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इन्हीं सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इससे क्वेश्चन बहुत मतलब कि बनते ही बनते हैं, ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लंबाई के मात्रक। लंबाई के मात्रक आप सभी लोग जानते हो, सेंटीमीटर, इंच, फुट, फिर हमारे पास गज, मीटर, लट्ठा या गट्ठा। पहले क्या होता है, सेंटीमीटर आप लोग जैसे भी रटना चाहते हैं, ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सभी लोग जानते होंगे सेंटीमीटर ये क्या है, लंबाई का मात्रक है। इंच ए भी क्या है, लंबाई का मात्रक है। ए फुट ए भी लंबाई का मात्रक है। गज ए भी क्या है, लंबाई का मात्रक है। मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक है। लट्ठा क्या है, ये भी लंबाई का मात्रक है। अब देखिए, ये लट्ठा जो होता है ना, हमारे पास जो गांव में जमीन नहीं होती है, वहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो हमेशा जब भी भूमि का मापन करते हैं हमेशा लट्ठा से ही करते हैं। कहते हैं दो लट्ठा उधर है, तीन लट्ठा उधर है, तो लट्ठा से ही करते हैं। जो एक लट्ठा है ना, इसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी होती है, 8 फीट 3 इंच। यानी जो एक लट्ठा हमारे पास होता है वो 8 फीट 3 इंच के इक्वल होता है। अब हम लोग जमीन के क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो जमीन का क्षेत्रफल होता है, उन्वांशी, कचवांशी, विश्वांशी, विश्वा। सबसे पहले जो छोटी यूनिट, ये तीनों क्या है, उन्वांशी, कचवांशी और विश्वांशी, ये तीनों यूनिट क्या है, जमीन के क्षेत्रफल निकालने के सबसे छोटे यूनिट हैं। इनसे क्वेश्चन कम बनता है, हालांकि क्वेश्चन पूछा गया है, इनको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, छोड़ेंगे एक भी नहीं। और आप लोग को ऐसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि हर एक चीज़ आप लोग को क्लियर हो जाए, कुछ रटने की ज़रूरत ना पड़े, ये कोशिश हमारी रहेगी। उसके बाद हमारे पास आ जा रहा है विश्वा, या फिर इसको कहीं कहीं विश्वा भी बोला जाता है। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जा रहा है, कच्चा बीघा, फिर उसके बाद पक्का बीघा, फिर एकड़ एयर हेक्टेयर। जो एकड़ एयर हेक्टेयर क्या है, ये तीनों इंटरनेशनल यूनिट है। इंटरनेशनल यूनिट का मतलब है, आप लोग जानते हो जब भी गवर्नमेंट कोई भी हमारे जमीन अलाट करती है, जमीन जब भी कोई अलॉट करती है तो हमेशा क्या करती है, इसमें हेक्टेयर में करती है। कहते हैं ना, इतने हेक्टेयर जमीन किसानों के लिए है, इतने हेक्टेयर जमीन ये हमारे पास ये फैक्ट्री के लिए अलॉट कर दी है। या फिर ऐसे समझिए, कहीं कहीं आप लोग पेपर में पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते होंगे, दिया रहता है कि इतने एकड़ फसल जमीन, इतने एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। कहते हैं ना कि 100 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई, आग लगी इतना एकड़ फसल जो थी जलकर खाक हो गई। ये सब क्या है, तीनों इंटरनेशनल यूनिट है। अब हम लोग आते हैं उन्वासी। उन्वासी क्या है, ये सबसे छोटी यूनिट है, जमीन का क्षेत्रफल निकालने की सबसे छोटी यूनिट क्या है, उन्वासी है। अब 20 उन्वासी मिलाकर एक कंचवासी बनाते हैं। कितना बनाते हैं, एक कंचवासी बनाते हैं। अब 20 कंचवासी मिलाकर एक विश्वांशी बनाते हैं। अब 20 विश्वांशी मिलाकर एक विश्वा यानी विश्वा बनाते हैं। यानी अगर एक विश्वा में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कितने विश्वांशी होते हैं, तो 20 विश्वांशी होते हैं। और 20 विश्वा मिलकर हमारे पास क्या बनाता है, एक पक्का बीघा बनाता है। अभी इसके बारे में हम नहीं बात करें। अब देखिए, कच्चा बीघा जो है ना, कच्चा बीघा का मान क्या होता है, चेंज होता रहता है।
चेंज मतलब हमारे यूपी में अलग होता है, हरियाणा में अलग होता है, राजस्थान में अलग होता है। जो यहाँ पे हम लोग जो मेजरमेंट लेके चलेंगे, यानी जो मात्रक लेके चलेंगे, जो वैल्यू लेके चलेंगे, वो हम यूपी के अकॉर्डिंग ही लेके चलेंगे। तो अगर आप लोग हरियाणा से हैं, अगर आप लोग राजस्थान से हैं, तो ये ना समझना कि ये गलत है। ये हम लोग कहाँ से लेके चल रहे हैं, यूपी से लेके चल रहे हैं। अभी पक्का बीघा के बाद एकड़, ईयर, हेक्टेयर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लंबाई के मात्रक का कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन मतलब इसके चेंजेस। अगर हमारे पास फीट में दिया है, कह दिया एक गज बराबर कितने इंच, एक गज बराबर कितने मीटर, ये सब क्वेश्चन हमारे हमारे मतलब कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जेशन करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन, आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ तीन चीज़ें रटना है। इसमें रटना कितनी चीज़ें हैं, सिर्फ तीन चीज़ें। आप लोग ये रट लीजिए, एक गज बराबर तीन फीट, और एक फीट बराबर सभी लोग जानते हो 12 इंच होती है, और एक इंच की वैल्यू आप सभी लोग जानते हो 2.5 सेंटीमीटर। नो, गलत है, 2.54 सेंटीमीटर मतलब कि एक्यूरेट है। 2.5 कह देते हो ना, ये गलत है। तो एक इंच बराबर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। अगर इसी के आगे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि आप लोग हमें बताइए, एक गज बराबर अगर 3 फीट होता है, 3 गुणित फीट, और एक फीट बराबर 12 इंच, तो क्या हम लोग फीट की जगह 12 इंच रख सकते हैं, क्या 12 इंच रख सकते हैं कि नहीं? आप लोग कहोगे हाँ भैया रख सकते हैं। तो जो एक गज है, अगर इसका इंच में मान पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 36 इंच हो जाएगा। क्या बात है, 36, यानी एक गज का मतलब हो गया हम लोग 36 इंच भी रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? अगर एक गज का अगर मान हमसे सेंटीमीटर में पूछे तो 36 गुणित इंच, एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, तो 36 इंच में हम लोग क्या करेंगे, 2.54 सेंटीमीटर का गुणा करेंगे। तो एक गज बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक गज बराबर क्या आ जाएगा, इसमें हम लोग गुणा कराएंगे तो नियर अबाउट हमारे पास कितना आएगा, 91.44 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 91.44 सेंटीमीटर आ जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग को इतना आसान तरीके से हर एक चीज समझा दूंगा कि आप लोग कभी भूलेंगे भी नहीं। अब देखिए यहाँ से आप लोग जानते हो कि एक गज बराबर आ गया 91.44 सेंटीमीटर। अगर हमसे पूछ ले कि एक गज बराबर कितने मीटर का होता है, तब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग हमें बताइए, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है ना, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से हमें पूछे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप लोग बताइए, इसको यहाँ पे रख ले रहे हैं, इधर चला जाएगा, तो 1/100 मीटर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर की जगह एक गज बराबर कितना हो जाएगा, 91.44 गुणित सेंटीमीटर की जगह क्या हम लोग ये नहीं रख सकते हैं, 1/100 मीटर। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते भैया? रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, इतना रख सकते हैं। तो आगे जब हम लोग जाएंगे तो एक गज बराबर इधर आ जा रहे हैं, एक गज बराबर कितना आ जाएगा, एक गज बराबर आ जाएगा, अगर 91.44 में हम लोग 100 से भाग देंगे तो 0.2 अंक फिर से इधर आ जाएगा, 0.9144 मीटर। एक गज की वैल्यू कितनी आ गई, 0.9144 मीटर, ये एक गज का मान आ गया। एक गज बराबर इतना मीटर का होता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? अभी अगर आगे हमसे इसी क्वेश्चन में एक पूछ लिया जाए कि आप लोग हमें बताइए कि 1 मीटर बराबर कितने गज के होते हैं, इसको हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता कि आप लोग बताइए 1 मीटर बराबर कितने गज के होते हैं,
तो कुछ नहीं करना है, 1 मीटर इधर रखेंगे हम लोग, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1.09144 गज हो जाएगा क्या, इतना हो जाएगा क्या? आप लोग कहेंगे हाँ भैया इतना हो जाएगा। तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर कितने अंक पे दशमलव है, नीचे 4 अंक पे, तो 4 यानी 10,000 से गुणा करेंगे, क्या ही दहाई सैकड़ा, 10,000 बटे क्या आ जाएगा, ये 0 हट जाएगा, दशमलव भी हट जाएगा, 9144 गज, 9144 गज। 1 मीटर बराबर कितना आ जाएगा, 1.09 गज। जब जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.09 गज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग को रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक लंबाई के मात्रक को चेंज करने का मैं आप लोगों को एकदम बेसिक तरीका बताऊंगा। जैसे आप सभी लोग जानते हो ग्रामीण परिवेश, यानी अगर बात करें तो देसी यानी ग्राम से हमारे रिलेटेड होता है, तो उसी प्रकार से मैं आप लोग को ग्रामीण से ही रिलेटेड पढ़ाऊंगा, यानी देसी तरीके से ही सब कुछ पढ़ाऊंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि 1 मीटर बराबर कितने इंचेस होते हैं, 1 मीटर बराबर कितने इंच होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, चलिए हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 1 मीटर बराबर कितने इंचेस होते हैं, यानी कितने इंच होते हैं। आप लोगों के पास कुछ नॉइज जा रही होगी तो आप लोग उसको एडजस्ट में एडजस्ट कर लीजिएगा, गांव से बना रहा है वीडियो तो थोड़ा बहुत नॉइज आती है, तो इससे आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन हमारे पास है 1 मीटर बराबर कितने इंच होते हैं। देखिए आप लोग को एकदम इजी वे में मैं समझाने वाला हूँ। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। हमें ये बताइए 1 इंच बराबर कई सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है का। तो यहाँ से अगर हम लोग सेंटीमीटर का मान निकालना चाहेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा 1/2.54 इंच, इतना होगा क्या, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू इंच में 1/2.54 इंच होगी क्या। तो यहाँ हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, 100 × 1/2.54 इंच, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आप लोग कहोगे कि हाँ भैया लिख सकते हैं, जो आगे मान आ जाएगा 1 मीटर बराबर आ जाएगा हमारे पास 100/2.54 इंच, कितना हो जाएगा। तो 1 मीटर बराबर जो आ जाएगा हमारे पास, 2 अंक पे दशमलव है तो हम लोग 100 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 10,000/254 इंच, इतना आ जाएगा। अगर हम लोग इसको भाग देंगे तो इसका मान जो आएगा लगभग आ जाएगा, 1 मीटर बराबर आ जाएगा हमारे पास 39.97 इंच, कितना आ जाएगा, 39.97 इंच, क्या हो जाएगा, 3.7 आएगा क्या, 7 3.7, 39.37, आप लोग देख लीजिएगा जिसका जितना भी आए, 39.37 इंचेस क्या हो जाएगा इसका मान आ जाएगा। 1 मीटर बराबर आ जाएगा 39.37 इंच, नहीं भाग दे के हम लोग देख ले रहे हैं तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा हम भाग दे ले रहे हैं कैलकुलेटर से तब देखते हैं। हाँ एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है कि 1 मीटर बराबर आ जाएगा 39.37 इंच, कुछ और जाएगा, ये नियर अबाउट में ले लिए हैं हम लोग, 37 इंच क्या हो जाएगा 1 मीटर की वैल्यू हो जाएगी, यानी 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 39.37 इंच। और अगला क्वेश्चन आप लोगों से है कि 1 मीटर बराबर कितने फुट होते हैं, 1 मीटर बराबर कितने फुट होते हैं। तो इसके लिए हम इसको क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, ताकि आप लोग को कोई डाउट ना हो, अच्छे तरीके से बोर्ड पे भी समझ में आता रहे।
अगला हमारे पास क्या है कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, इसको चेंज करना है। अब देखिए, इसको चेंज करने का 2 तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर ए वैल्यू हमें याद है 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। तो कैसे करना है, पहले देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है, 39.37 इंच अभी अभी हम लोग निकाले हैं, और आप सभी लोग जानते हैं 1 फीट बराबर कितना होता है, 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, होता है कि नहीं होता है? आप लोग कहोगे हाँ भैया 12 इंच होता है। तो 1 इंच बराबर कितने फीट का होता है, तो 1/12 फीट हो जाएगा, 1/12 फीट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम लोग 1 इंच की जगह 1/12 फीट रख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, 1 मीटर बराबर हो जाएगा 39.37 × 1/12 इंच नहीं, कितना हो जाएगा, फुट हो जाएगा। इंच की जगह रख रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फिट या फिर इसको हम लोग कह रहे हैं फिट, इतना हो जाएगा। अब हम लोग जब इसका मान निकालेंगे, 1 मीटर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3.28 फीट नियर अबाउट, इतना क्या होगा, 1 मीटर बराबर आ जाएगा 3.28 फीट, ये फुट में वैल्यू होगी 1 मीटर बराबर 3.28 फीट। अभी देखिए इसका उल्टा भी हम लोगों को याद रखना है। उल्टा याद रखना कैसे, कि आप लोग सोच रहे होंगे 1 मीटर बराबर इतने गज का, तो 1 गज बराबर इधर चला जाएगा इतने मीटर के भी आ जाएगा। तो आप लोग सब उल्टा सीधा सब सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, अगर इसी को हम लोग अदरवाइज भी में यानी अदर तरीके से निकालना चाहें, एकदम बेसिक तरीके से, शुरू से तो क्या करना है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, सभी लोग जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। तो 1 मीटर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2.5 इंच, 1/2.5 इंच, यही होगा ना। आप सभी लोग ऐसे समझिए कि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/2.54 इंच, कितना हो जाएगा, 1/2.54 इंच। यहाँ हम लोग सेंटीमीटर की जगह ऐसे रख सकते हैं, 1/2.54 इंच इतना रख सकते हैं। जो 1 मीटर बराबर हमारे पास आगे क्या होगा, बोर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 1 मीटर बराबर हो जाएगा 100/2.54 इंच। अभी हमें मान कितने निकालना है, फुट में चेंज करना है। अभी हमारे पास वैल्यू किसकी है, इंच की है। तो फुट में मान चेंज करने के लिए आप सभी लोग जानते हो 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। अगर 1 फीट की वैल्यू 12 इंच इधर लिख दे रहे हैं, 1 फीट की वैल्यू 12 इंच, तो 1 इंच बराबर 1/12 फीट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/12 गुना हो जाएगा फिट, 1/12 फिट। अब आगे हम लोग कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेंगे, तो 1 मीटर की वैल्यू जो आ जाएगी 3.28 फीट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3.28 फीट आ जाएगी, 3.28 फीट आ जाएगी 1 मीटर की वैल्यू। आप लोग ऐसे निकाल लिए या फिर ऐसे निकालिए, तो यहाँ से हम लोग इसको इधर लिख देंगे, 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3.28 फीट। ये सब इम्पॉर्टेंट है, इन सबको अगर आप लोग याद रख ले रहे हैं तो सही है, अगर नहीं याद रख ले रहे हैं तब भी सही है, क्योंकि हमें निकालने का तरीका मालूम है। अगर जब तक निकालने का तरीका नहीं मालूम होगा तो कितना चीज़ हम लोग रटेंगे, भूल ही जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले पार्ट में हम लोग इस वीडियो के अगले पार्ट में जो देखेंगे, इस टॉपिक के अगले पार्ट में जो देखेंगे, अभी तक हम लोग लंबाई के मात्रक का कन्वर्जेशन किए थे यानी चेंजेस किए हैं, तो हम लोग क्षेत्रफलों के कैसे चेंजेस करेंगे उन सब के बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से
एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, कहीं अगर लग रहा हो कि नहीं कुछ सिखाया जा रहा है, नहीं कुछ बता रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।